पढ़ाई से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजा के उसका नोटिफिकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ई विद्यालय पे। मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ई विद्यालय पे। दोस्तों, मैं बात करूंगा मोबाइल फोन्स की वर्किंग के बारे में कि मोबाइल फोन्स कैसे वर्क करते हैं, आप जब भी कॉल लगाते हैं तो कैसे मोबाइल फोन्स एक फोन से दूसरे फोन तक कैसे कॉल ट्रांसफर होती है, इसकी पूरी वर्किंग प्रोसीजर मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू ई विद्यालय। दोस्तों, मोबाइल फोन्स की जो वर्किंग होती है बहुत ही सिंपल होती है। आप जैसे कि आप फोन नंबर डायल किए हैं और आपका फोन दूसरे स्थान पे जो भी व्यक्ति बैठा है वहां पे उसके पास तुरंत चला जाता है, तो ये जो भी प्रोसीजर हो रहा है आपके लिए तो चंद सेकंड में हो जा रहा है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो पूरा काम हो रहा है तो कैसे होता होगा? जी बिल्कुल, ये पूरा जो सिस्टम होता है एक बहुत ही डिटेल और बहुत ही ब्रीफ सिस्टम होता है। इसको समझने के लिए आपको मैं कहूं तो आपको एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत गुजरना पड़ेगा। मतलब एक आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में आपको पूरा खंगालना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये पूरा जो प्रोसीजर होता है मोबाइल फोन्स नेटवर्क का कैसे काम करता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही मोटे शब्दों में बताऊंगा कि ये पूरा प्रोसीजर कैसे हैंडल होता है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके पास किसी भी मोबाइल कंपनी का फोन है और उसमें आप किसी अदर मोबाइल नेटवर्क कंपनी का आपने सिम डाला और किसी अदर मोबाइल नेटवर्क पे आपने कॉल कर दिया, ठीक है? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सेम कंपनी के उपभोक्ता हैं या सब्सक्राइबर हैं या अलग कंपनी के सब्सक्राइबर हैं, ठीक है दोस्तों? आपने बस सिंपली नंबर डायल करना है और आपका कॉल दूसरे कंपनी के सब्सक्राइबर या उसी कंपनी के सब्सक्राइबर के पास तुरंत चंद सेकेंड में, आप कहीं भी, या तो आपके सिटी में हो या तो आपके सिटी के बाहर हो या देश के बाहर हो या देश के किसी दूसरे कोने में हो, फोन तुरंत चला जाता है। कुछ सेकंड लगते हैं, फोन तुरंत कनेक्ट हो जाता है। अगर फोन नहीं कनेक्ट होता है तो अंदर से एक आवाज आती है फोन के कि वो बंदा जो है वो अवेलेबल नहीं है या फोन स्विच ऑफ है या अभी नेटवर्क कवरेज के बाहर है, ऐसा वैसा कुछ करके आता है। दोस्तों, तो ये सब क्या होता है, कैसे फोन कनेक्ट होता है, इसको पूरे डिटेल वे में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जैसे कि आपका जो फोन होता है उस फोन में एक माइक्रोफोन लगा होता है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो छोटा सा एक पॉइंट आउट होगा, उसमें माइक्रोफोन छोटा सा लगा होता है। तो माइक्रोफोन क्या काम करता है कि आप जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, आपने फोन डायल किया, आपने जो भी बोला उसको वो डिजिटली फॉर्म में, जैसे कि 0101 के फॉर्मेट में एक ये वेव जनरेट करता है, यानी कि 0101 के फॉर्मेट में ये एक कन्वर्जन करता है आपके जो बोल, आप जो भी बोल रहे हैं उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो क्या करता है, फोन में प्रोसेस कर देता है। अब फोन के अंदर दोस्तों एक एंटीना लगा होता है, उस एंटीना के थ्रू क्या होता है कि जो आपने जो बोला था उस एंटीना के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडियो वेव्स के थ्रू आप दूसरे फोन तक कनेक्ट कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं नजदीकी फोन्स के बारे में। जैसे कि एक फोन के अंदर जो एंटीना लगा होगा उसका कुछ रेंज होगा, ठीक है? अगर उसी रेंज के अंदर दूसरा फोन आता है तो आपको टावर या नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? मान लीजिए कि वो जो बंदा है वो बहुत दूर है, ठीक है? तो अब फोन के रेंज से तो बाहर हो गया, तो फोन के रेंज को बढ़ाने के लिए यहां पे टावर का कंसेप्ट आया। तो टावर्स क्या करते हैं कि दोस्तों, टावर्स जो लगे होते हैं आपने देखा होगा कि मोबाइल नेटवर्क टावर हर छत पे या किसी खेत में लगा रहता है, तो इसका काम क्या होता है कि इस मोबाइल फोन के रेंज को बढ़ा देता है, ठीक है? तो टावर्स का काम बस इतना होता है कि मोबाइल फोन से जो भी रेडियो वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो निकल रही हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक? यानी कि इसका रेंज जो है वो बढ़ा देता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हर टावर का अपना रेडियस होता है, अपना एक सराउंडिंग होता है, तो उस सराउंडिंग के अंदर जितने भी फोन्स आ रहे होंगे, जितने भी मोबाइल कंपनी के नेटवर्क्स, जैसे कि आपसे बता दें कि हर एक टावर अपना एक मोबाइल कंपनी का अपना एक अलग टावर होता है, तो जैसे कि मैं बता दूं कि यहाँ पे मोबाइल कंपनी, मान लीजिए जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लूं, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां हैं इस तरह की, ठीक है? तो सबका अपना अपना टावर होता है और उस रेंज में उस कंपनी के जो सब्सक्राइबर होते हैं, जैसे कि आपके पास जो भी कंपनी का नेटवर्क हो, उस कंपनी का नेटवर्क आप डायल करते ही आपके एंटीना से वो वेव उस टावर तक जाएगा, ठीक है दोस्तों? अब उस टावर से वो क्या करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि वो टावर कैसे जानेगा कि आप किसके पास फोन लगाए हैं,
तो दोस्तों टावर का काम बस इतना होता है कि आपके सिग्नल को दूसरे सिग्नल तक ट्रांसफर करना, उसका ये काम नहीं होता है कि खोजना कि आप किसके पास फोन लगाए हैं या नहीं। इसका काम होता है, इसके लिए एक नया कंसेप्ट आया जैसे कि बेस ट्रांसमिशन सेंटर। बेस ट्रांसमिशन सेंटर क्या करता है दोस्तों, टावर से डिटेल ले लेता है और टावर जो डिटेल आपके फोन से लिया रहता है उसको बेस ट्रांसमिशन सेंटर पे ट्रांसफर कर देता है, और बेस ट्रांसमिशन सेंटर फिर अगले स्टेप में कॉन्टेक्ट करता है। बेस ट्रांसमिशन सेंटर आगे उस मैसेज को ट्रांसफर करता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे। अब दोस्तों यहां मोबाइल स्विचिंग सेंटर का कॉन्सेप्ट इसलिए आया था क्योंकि जितने भी नेटवर्क्स होते हैं वो सारे नेटवर्क का डेटाबेस यहां मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे इकट्ठा रहता है। जितने भी कंपनी का डेटाबेस होता है वो सारा का सारा यहाँ इकट्ठा रहता है, जैसे कि आपका IMEI नंबर, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल, आप ID प्रूफ, आपका फोन नंबर, जितना भी डिटेल है सारा यहाँ पे इकट्ठा रहता है। अब मोबाइल टावर से जो मैसेज आया था कि इस नंबर पे कॉल किया गया है, तो मोबाइल स्विचिंग जो सेंटर है वो क्या करेगा कि वो जो नंबर आपने डायल किया था उस नंबर का डिटेल खंगालेगा कि कहां का ये नंबर है और कहां पे इस नंबर को फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो अब मान लीजिए मोबाइल स्विचिंग सेंटर ने उस नंबर को खोज निकाला, ठीक, जिस नंबर पे आपने कॉल किया था उसका सारा एड्रेस, उसका लोकेशन सारा ट्रेस कर लिया। अब क्या करेगा वो कि वो जो एड्रेस पे आपने कॉल किया है उस एड्रेस पे वो ट्रांसफर कर देगा, यानी कि उस एड्रेस पे जो लोकल पे जो टावर होंगे उसको ये मैसेज ट्रांसफर कर देगा। अब वहां का जो टावर होगा वो क्या करेगा, उस लोकेलिटी में जो नंबर आपने डायल किया है उस लोकेलिटी में उस नंबर पे मैसेज फॉरवर्ड कर देगा। अब उस नंबर पे रिंग जाने लगेगी, यानी कि आपका कॉल वहां तक पहुंच चुका है। ठीक है दोस्तों, अब उस क्या करेगा, अब उसका जो फोन जिस नंबर पे आपने कॉल किया है वो एज अ रिसीवर आपका कॉल रिसीव करेगा और वहां पे कॉन्टेक्ट हो जाएगा। अब यहां पे आपका दो कंसेप्ट आया, क्या, पहला बेस ट्रांसमिशन सेंटर, दूसरा मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ये दोनों का काम क्या हो रहा था, कॉन्टेक्ट डिटेल को स्विचिंग करने का काम, मतलब एक दूसरे को ट्रांसफर करने का काम। और टावर का कंसेप्ट क्या था कि रेंज को बढ़ाना, मोबाइल की रेंज को बढ़ाना। यहाँ पे मोबाइल अब कॉन्टेक्ट में आ गए हैं और यहाँ पे कॉलिंग प्रोसीजर शुरू हो गई है दोस्तों। तो क्या आप सोच सकते हैं कि हवा में सारे ट्रांसमिशन हो रहे हैं तो क्या कोई भी ये कॉल डिटेल चोरी कर सकता है, बात करके कुछ सुन सकता है उस चीजों को? तो दोस्तों यहाँ पे एक सिक्योरिटी का कंसेप्ट आता है। यहाँ पे दोनों एंड पे इंक्रिप्शन लगे होते हैं, दोनों एंड पे ऐसे कोडिंग इनकोडिंग में मैसेजेस जाते हैं जो कोई बिचौलिया जो होगा उसको सुन नहीं सकता है। ये दोनों इंक्रिप्शन होता है, मतलब इनको दूसरे लैंग्वेज में एक कोड की तरह ट्रांसफर होता है। इतने जल्दी होता है कि मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये जो भी प्रोसीजर है वो इंडिया तक तो सीमित है, मान लीजिए आपको अगर फॉरेन में किसी को कॉल करना है तो कैसे करेंगे? वो भी बहुत आसान तरीका हो जाता है कि जैसे जो आपका मोबाइल स्विचिंग सेंटर होगा MSC जो होगा वो क्या करेगा कि अब वहां से MSC का रेंज जो होता है वो बड़ा होने लगता है। अब वो वहां के पूरे कंट्री के जो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, जो सबसे बड़ा सर्वर होता है, जो सबसे बड़ा हब होता है MSC का, वहां पे उसको ट्रांसफर कर देता है। अब वहां से क्या होगा कि वो सैटेलाइट तक छोड़ देता है। अब सैटेलाइट से जिस कंट्री का भी वो कोड लगा होगा फोन नंबर के आगे, उस कंट्री में वो सैटेलाइट क्या करता है, वो उस मैसेज को ट्रांसफर कर देता है। अब सारा प्रोसीजर वही होगा, अब उस कंट्री का जो MSC होगा उसको रिसीव करेगा, फिर वहां से लोकल MSC को देगा, फिर वहां से बेस स्टेशन को देगा, फिर वहां से वो लोकल टावर को देगा, फिर वो लोकल टावर उस वहां के रिसीवर को वो कॉन्टेक्ट आपका वो आपका मैसेज छोड़ देगा वहां से। इसको होने में आपने जब आप फोन डायल करते हैं तो आपने सुना होगा कि बीच में कुछ आवाजें बीप 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 की आवाजें आती हैं, तो वो उस समय क्या होता है, वो प्रोसेसिंग होता रहता है। आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा कि इतने कम सेकंड में, इतने कम बीप में आपका जो फोन होता है वो एक स्थान से बहुत दूर बैठे हुए किसी पर्सन के पास वो फोन चला जाता है। तो दोस्तों इतने कम सेकंड में आपका कॉल ट्रांसफर होता है। इसी तरीके से इंटरनेट भी काम करता है। तो दोस्तों अगर आपको इंटरनेट के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं एक वीडियो इस पे बनाने जा रहा हूं, अगर किसी को अगर जरूरत है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो पे ये समझाएं कि क्या आपको मोबाइल कंसेप्ट समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज हमें बताएं कि क्या नहीं समझ में आया, मैं फिर उस पर डिटेल और वीडियो बना सकता हूं। अगर आपको इंटरनेट की डिटेल, कैसे इंटरनेट चलता है उस पर आपको जानकारी चाहिए तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों एक बात और मैं आपसे बता दूं,
कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि ये वीडियो किस बेसिस पे है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है क्योंकि सबके मन में ये दुविधा रहती है कि मोबाइल फोन आखिर कैसे काम करता है। दोस्तों तो इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।